माँ का आशीर्वाद जो हर बड़े छोटे खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते रहे हैं, उसी माँ का आशीर्वाद उन्होंने तब भी लिया जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसी माँ का आशीर्वाद एक बार फिर लेने की तैयारी है दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद। किसी बेटे पर माँ का ऐसा आशीर्वाद जब बरसता है तो वो हिंदुस्तान का भाग्य विधाता बन जाता है। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने माँ से मिलते रहने का। कोई खुशी का लम्हा नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई जन्मदिन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी व्यस्तता के बीच से भी अपनी माँ से मिलने का मौका जरूर निकाल लेते हैं। और अब जब दोबारा वो देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, बीजेपी और एनडीए ने सर्वसम्मति से उनको अपना नेता चुन लिया है, तब वो सबसे पहले अपनी माँ से ही मिलने जा रहे हैं। अपनी माँ हीराबेन का आशीर्वाद लेने रविवार को प्रधानमंत्री अहमदाबाद जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया, माँ का आशीर्वाद लेने गुजरात जाऊंगा, उसके बाद सोमवार को मुझ में विश्वास जताने के लिए काशी जैसी महान भूमि के लोगों को धन्यवाद देने जाऊंगा जिन्होंने फिर से मुझ में विश्वास जताया। अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता कि भाई सब वही रहे। मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मैं घर मन नहीं करता, माँ बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। छोड़ दिया उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है, और इसलिए जिसको कहे लगाव मोह माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के, मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ, तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री पद की व्यस्तता चाहे जितनी बड़ी हो, प्रधानमंत्री मोदी उस व्यस्तता में भी चंद लम्हे अपनी माँ के लिए चुरा ही लेते हैं, नहीं तो कहाँ इतिहास रचने वाला प्रधानमंत्री अपनी दोबारा ताजपोशी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले उसको याद आई 95 साल की उसकी माँ जो दूर अहमदाबाद में अपने बेटे का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री माँ के साथ तो नहीं रह पाते लेकिन उनसे मिलने जरूर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अपनी माँ से मिलना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके पास फुर्सत से बैठना और पूरे ध्यान से माँ की हर बात सुनना, ये तस्वीरें देख इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि ये वही मोदी हैं जिनका डंका सारी दुनिया में बज रहा है। मोदी जब भी माँ के पास पहुँचते हैं तो सिर्फ एक बेटा बनकर, प्रधानमंत्री बनकर नहीं, इसलिए माँ और बेटे दोनों तड़क धड़क से दूर। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री गए तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूले थे। तब प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबा ने उनको बड़े दुलार से लापसी खिलाई, नारियल भेंट की, मिश्री दी और शगुन के 500 रुपये दिए। माँ सिर्फ 125 रुपये नहीं देती, वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से आशीर्वाद भी देती है। जब मोदी गुजरात संभाल रहे थे तभी हीराबा ने प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया था। मारो आत्मा थी अंदर लो आत्मा ही बोलियो कोई पहचान बनवानो आखी सृष्टि नो राजा बनवानो बनवानो न बनवानो। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बेटा जा रहा है अपनी माँ के चरणों में आशीर्वाद का वो स्वर्ग हासिल करने जिसमें राज सत्ता से भी बड़ा सुख है। आज तक ब्यूरो। जिन विरोधियों ने मोदी को हर बात पर घेरा उन्हीं विरोधियों ने माँ के साथ रिश्ते पर भी नरेंद्र मोदी को नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेकिन एक अनूठा रिश्ता अपनी माँ के साथ है। वो उनके साथ तो नहीं रहती हैं, लेकिन हर बड़े छोटे दिन पर प्रधानमंत्री जरूर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और माँ हाथ में कुछ ना कुछ रख ही देती है। 68 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर बच्चे की तरह ही अपनी माँ की आंखों के तारे हैं, और पीएम मोदी खुद मानते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं उसमें उनकी माँ के संघर्षों का बहुत बड़ा योगदान है। ये देश कितना महान है,
रेल के डिब्बे में चाय भेजने वाले बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया कि मैंने अपनी माँ को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके पानी भर के हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस माँ ने काम किया। प्रधानमंत्री मोदी बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन में वो अपने पिता के साथ परिवार की आर्थिक मदद के लिए गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। उनकी माँ हीराबेन ने घरों में बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा कर बच्चों का लालन पालन किया, जिसको याद करते हुए पीएम मोदी की आंखें आज भी डबडबा जाती है। वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, लेकिन एक माँ होती है जिससे अपने बच्चे की काबिलियत का पता कोख में ही चल जाता है। गरीबी ने बचपन में बड़े नाज से पाला था। घर में चार भाई और एक बहन थी। उन सब की परवरिश की जिम्मेदारी हीराबा के कंधों पर थी। ये माँ का दिल है कि जब बेटे की आंखों में आंसू आते हैं तो दूर कहीं उसकी आंखें छल छला जाती हैं। पीएम मोदी कई मौकों पर अपनी माँ के प्रति भावनाओं का इजहार कर चुके हैं। शायद बचपन में अपनी माँ के कष्टों को करीब से देखकर मोदी के मन में सर्वजन हिताय की भावना का विकास हुआ। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे, ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। पीएम मोदी ने भले ही छोटी उम्र में ही कुछ बड़ा करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया, लेकिन अपनी माँ के संघर्ष को वो कभी नहीं भूले। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हीराबेन उनसे मिलने सात लोक कल्याण मार्ग भी आई। पीएम बनने के बाद अपनी माँ के साथ बिताए उनके खुशनुमा पल फेसबुक पर खूब शेयर किए गए। जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू की तो बैंक की कतार में उनकी माँ हीराबा लगी। हर चुनाव में वोट डालने उनकी माँ इस उम्र में भी जाती और उस वोट का असर है। जब प्रधानमंत्री मोदी की दोबारा ताजपोशी हुई तो उनका बेटा अपनी माँ से आशीर्वाद लेने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। मैं खुद नहीं आया, माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री का काशी के बारे में ये कहना विरोधियों ने हमेशा हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा गंगा आरती के साथ उस मां को अपने सिर आंखों पर बिठाते रहे। और भी ऐसे कई रिश्ते देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबेन के बेटे हैं, लेकिन जिस कोक से मोदी जन्मे उसे ही माँ का दर्जा नहीं दिया, बल्कि जिस धरती पर फले, जिस पार्टी की उंगली पकड़कर आगे बढ़े और जिस गंगा का आचमन करके यमुना किनारे दिल्ली की गद्दी पर बैठे, उन्हें भी अपनी माँ ही माना। इसीलिए सत्ता में दोबारा वापसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी माँ से मिलने अहमदाबाद जाएंगे तो सोमवार को गंगा मैया का आशीर्वाद लेने वाराणसी जाएंगे। पहली बार 2014 में ही मोदी वाराणसी पहुंचे तो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। गंगा मैया का आशीर्वाद खूब फला फूला। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री अपनी एक माँ तो धरती माता को भी मानते हैं। क्या माँ की सेवा
कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी माँ है। हीराबेन का ये बेटा चाय बेचने वालों की लाइन से निकल वर्ल्ड लीडर्स की कतार में खड़ा हो गया है। ये माँ की दुआओं का ही असर है शायद कि बेशुमार कामयाबी मोदी के कदमों में पड़ी है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।